नमस्कार। हम नाम के विषय में पढ़ रहे थे, तो देखिए कुछ जैसे मेनी और मेनी ए, ये हम कुछ जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं इस पर बेस्ड इरर से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। देखिए मेनी के बाद आप प्लूरल नाउन लगाएंगे, ठीक है, और मेनी ए आए तो आप सिंगुलर नाउन लगाएंगे। देखिए जैसे जैसे दिया हुआ है, मेनी बॉयज आर गोइंग, यह है मेनी बॉयज आर गोइंग। आप ऐसे वाक्य बनाते भी होंगे, बहुत से लड़के जा रहे हैं, तो यही सेंटेंस अगर हमको लिखना हो मेनी ए में, मेनी ए बॉय इज गोइंग, ये सिंगुलर में आपको लग रहा है और ये प्लूरल है, अर्थ दोनों का बराबर है, अर्थ जो है दोनों का सेम है, लेकिन सेंटेंस में मेनी ए के साथ आप सिंगुलर नाउन लगाएंगे और ये जो वर्ब लगेगी यहां ये भी सिंगुलर लगेगी। इससे संबंधित इरर एग्जाम में दे देते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप मेनी के साथ प्लूरल नाउन लगाएंगे, मेनी बॉयज आर गोइंग, मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, और मेनी ए आ आए तो आप मेनी के साथ आप सिंगुलर नंबर की एक वचन की नाउन का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम आपको कुछ बता रहे थे, कुछ ऐसे नाउन हैं जो एक वचन में कुछ और अर्थ है उनका, बहुवचन में उनका कुछ और अर्थ है, इससे संबंधित इरर भी एग्जाम में आती हैं। आप इनको देखें और इनका अभ्यास करें। कभी कभी सेंटेंस में ऐसे वाक्य दे देते हैं सिंगुलर और प्लूरल नंबर में, क्योंकि इनका अर्थ जो सिंगुलर नंबर में कुछ और होता है, जैसे गुड है, ये हम आपको हमने इससे पहले के वीडियोस में आपको बताया भी है, जैसे सिंगुलर और प्लूरल, गुड, गुड का मतलब क्या हो जाएगा, गुड का मतलब, गुड का अर्थ क्या है नाउन में बताइएगा, गुड का अर्थ नाउन के संज्ञा के सेंस में क्या है, गुड माने तो वैसे अच्छा है, अच्छा शब्द विशेषता बताता है, ये शब्द एडजेक्टिव है, और ये शब्द यहां पर इसका मतलब हो जाएगा भलाई, राजा को जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए, तो फॉर द गुड ऑफ द किंग शुड शल फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री, तो इस गुड का मतलब यहां हो जाएगा भलाई। अगर इसमें हम एस लगा देते हैं गुड्स, गुड्स कैरियर ट्रकों पे लिखा भी होता, तो गुड्स माने हो जाएगा सामान, इससे रिलेटेड सेंटेंस दे दिया होता है तो आपको इसमें एस लगा देते हैं और कुछ में हटाना होता है आपको, तो सेंटेंस के मुताबिक आपको जो करे आपको वो करना, जहां गुड का मतलब भलाई के अर्थ में आए नाउन के साथ, क्योंकि एक शब्द होता है स्टूडेंट उसके कई अर्थ होते हैं और कंटेस्ट अलग अलग होता है। अब जैसे इस गुड का ही है, छोटा सा उदाहरण देख लीजिए, ये गुड है, इसका मतलब अगर विशेषता यानी विशेषण में दे ले एडजेक्टिव में तो इसका मतलब हो जाएगा अच्छा, और इसका संज्ञा के रूप में यानी नाउन के रूप में अर्थ क्या होगा, इसका होगा भलाई। इसका अगर प्लूरल है गुड्स, इसका मतलब हो जाएगा सामान। चलिए हमने इससे पहले हमने आपको वर्ड्स बताए भी हैं कई वर्ड्स, हम इससे रिलेटेड एक लिस्ट बना लीजिए, इसको पढ़ लीजिए आराम से याद हो जाएगा आपको। अल्फाबेट, अल्फाबेट और इसका है अल्फाबेट्स, इसका अल्फाबेट का मतलब होता है एक शब्द, ए बी सी, ए एक अल्फाबेट है, बी एक अल्फाबेट है, अल्फाबेट्स का मतलब हो जाएगा भाषा है, लैंग्वेज है, हमको कई अल्फाबेट का मतलब हो जाएगा एक वर्ड, ए बी सी डी शब्द, भाषा का एक शब्द, और अल्फाबेट हमको बहुत सी अल्फाबेट्स आती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ए बी सी डी बहुत सारी आती हैं, इस अल्फाबेट्स का मतलब है कि हमको बहुत सी भाषाएं आती हैं, इस अल्फाबेट का मतलब है एक, इसे ए है तो ये ए है अल्फा, एक अल्फाबेट है। इसी तरह कस्टम, कुछ हम आपको शब्द बता दें, तो ये पता है ना आपको, गुड बताया अच्छा, भलाई मतलब भलाई क्या है, ये गुड्स का मतलब सामान, इतना अल्फाबेट है इसका मतलब वर्ड है, अल्फाबेट से बहुत सी भाषाएं, और दूसरा हम आपको बता कस्टम और कस्टम्स, कस्टम का मतलब ट्रेडिशन या रीति रिवाज, उस देश का किसी जगह का कस्टम क्या है, और इस कस्टम का मतलब हो जाएगा टैक्स, टैक्स हो जाएगा ना, ट्रेडिशन हो जाएगा इसका,
इस कस्टम का मतलब है ट्रेडिशन, ये परंपरा है, और इस कस्टम्स का मतलब है टैक्स, जो कस्टम्स लगता है ना उसको बोलते हैं टैक्स। इस तरह आयरन हमने आपको बताया था, आयरन बताया था, आयरन आयरन्स क्या हो जाएगा मालूम होगा आपको, आयरन लोहा हो जाएगा, आयरन्स का मतलब बेड़ियां, पैरों में जो कैदियों पड़ते हैं बेड़ियां, बेड़ियां ब्रेक द आयरन्स, ब्रेक द आयरन्स का मतलब लोहा तोड़ो नहीं बेड़ियां तोड़ो, बेड़ियां तोड़ो, यहाँ आयरन्स का मतलब बेड़ियां, सिंगल नंबर में लोहा इसका मालूम होगा और इसका मतलब आयरन्स में बेड़ियां। चलिए अगला शब्द वुड भी बताया था हमने आपको, वुड और वुड्स, वुड्स मालूम होगा आपको लकड़ी, वुड्स जंगल, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, तो वुड्स का मतलब जंगल हो जाएगा। इस एक नेक्स्ट वर्ड है एयर, और एयर्स, एयर का मतलब हवा, और इस एयर का मतलब था आपका किसी का दिखावटी व्यवहार, व्यवहार किसी का खराब है, तो एयर मतलब कि अंदर कुछ और है बाहर कुछ और है उसका, तो दिखावटी व्यवहार जैसे होता है या शो ऑफ करना, शो ऑफ करना की चीज को दिखावटी व्यवहार, तो इसमें हमने प्लूरल लगा दिया, इसका अर्थ बदल गया। और इसी तरह फोर्स है, फोर्स है या फोर्सेस, ये तो मालूम, फोर्स बल होगा, शक्ति स्ट्रेंथ, आपकी कितनी फोर्स है, पूरे फोर्स से उसने धक्का दिया, फोर्सेस सेनाएं, फोर्सेस का मतलब हो जाएगा सेनाएं। एक सेंटेंस में स्टूडेंट्स इन जो वर्ड्स हम आपको सिंगुलर और प्लूरल के बता रहे हैं इनसे रिलेटेड वाक सेंटेंस दिया होता तो उसमें एरर एस लगा देते हैं या आपको हटाना होता है, तो दोनों का मतलब आपको पता होगा तो आप आराम से अर्थ समझ लेंगे किसका क्या है। इसके अलावा क्वार्टर, क्वार्टर भी कम करवा चुके हैं, क्वार्टर और क्वार्टर्स, क्वार्टर 1.4 और क्वार्टर्स रहने के लिए जो कमरे होते हैं उनका, उनके लिए प्रयोग होगा। वर्क, वर्क का मतलब बताया था हमने, वर्क इन वर्क्स, शेक्सपियर की लिटरेरी वर्क्स रचनाएं, और ये वर्क है काम जिसको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। और अगला है रिगार्ड, रिगार्ड का मतलब हो जाएगा REGARD, रिगार्ड मतलब हो जाएगा सम्मान, रिस्पेक्ट, आप किसी का रिगार्ड करते हैं, सम्मान दे करते हैं, और ये रिगार्ड्स शुभकामनाएं, जिसे कहते हैं बेस्ट विशेस, शुभकामनाएं, इस रिगार्ड्स का मतलब है विद बेस्ट रिगार्ड्स, लिखते हैं ना लिफाफे पे जब हम देते हैं किसी को सामान, शादी वगैरह में लिफाफा देते हैं, लिखते हैं विद रिगार्ड्स, एप्लीकेशन में भी आता है विद रिगार्ड्स, तो रिगार्ड्स माने शुभकामनाओं सहित। इस रिगार्ड का आई रिगार्ड माई टीचर, हम अपने टीचर सम्मान करते हैं, तो सम्मान के अर्थ में रिगार्ड आएगा, अब एस से अर्थ बदल जाएगा शुभकामनाओं के लिए। और इसके अलावा वाटर, वाटर पानी, पानी और वाटर्स समुद्र, सी एस ई ए सी, ये हो जाएगा समुद्र के लिए इसका अर्थ आ जाएगा। आयरन बता दिया हमने आपको, क्लोथ, क्लोथ भी बताया है, क्लोथ कपड़ा हो जाएगा बिना सिला हुआ, क्लोथ कपड़े, ई एस प्लूरल फॉर्म है, अर्थ अलग है। एब्यूज, एब्यूज बताया था, एब्यूज का मतलब, ये स्टूडेंट्स ऐसे वर्ड हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बराबर आते रहते हैं, नाउन से रिलेटेड में कोई वर्ड का अगर उन्होंने डिफरेंस दिया तो यही शब्द आएंगे, एब्यूज, जहां का मतलब गाली देना, गाली देना, और एब्यूजेस, abuses, एब्यूजेस मींस बुराइयां, हमारे समाज में बुराइयां हैं, इनको कहेंगे एब्यूजेस। वर्क इसी तरह, वर्क और वर्क्स, वर्क हो गया, हाँ वर्क्स हो गया, वर्क्स हो गया। और कलर, कलर, कलर रंग होगा एक, और इस कलर का मतलब हो जाएगा, इस कलर एस अगर लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा झंडा, झंडे, फ्लैग, फ्लैग के एस प्लूरल में एस कलर में हम एस लगा देंगे तो इसका अर्थ झंडे के अर्थ में आएगा। इसके अलावा फ्रूट, फ्रूट भी हो चुका है, फ्रूट का मतलब हो जाएगा फल, आपको कहना है फल तो सिंपल फ्रूट लिखिए, इस फ्रूट्स का मतलब हो जाता है
परिणाम मतलब नतीजा, आपके अच्छे कर्मों का फ्रूट्स मिल रहा है आपको। इस पेन का मतलब हो जाएगा दर्द, एक का मतलब दर्द और बहुत कठा है, मेरी गाड़ी हमको बहुत पेन दे रही है कि पेन्स दे रही है, कठिनाई। हाँ स्टूडेंट्स, हम ये कह रहे हैं कि मेरी गाड़ी हमको दर्द दे रही है कि कठिनाई दे रही है, जीवन में हमारे कठिनाई होती है कि दर्द होता है, तो लाइफ की बात हो तो लाइफ में बहुत कठिनाइयां हैं, तो लाइफ की जहां बात आएगी तो ये आएगा, ये शब्द आएगा कठिनाई वाला। शरीर की बात आएगी तो वो दर्द, ये पेन आएगा, ठीक है। तो गाड़ी हमको बहुत ज्यादा पेन्स दे रही है, बहुत कठिनाई पैदा कर रही है हमारे लिए, जहां कठिनाई का अर्थ है। इसके अलावा आर्म और आर्म्स, आर्म मतलब बांह, ये पार्ट ऑफ बॉडी, आर्म्स मतलब हथियार, डिफरेंस हथियार के लिए आर्म्स हो जाएगा, आर्म्ड फोर्सेस। तो इसी तरह एस लगाने से इसका मतलब हो जाएगा हथियार। एडवाइस किस जाएगा, सलाह होता है। एडवाइसेस मीन्स हो जाएगा सूचनाएं, इंफॉर्मेशन। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए, एडवाइस है, इसके साथ हम ए एन द कुछ भी नहीं लगाएंगे, मतलब नो आर्टिकल, इसके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, और ना ही हम इस शब्द को, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमको एडवाइस को एडवाइसेस, तो इसमें अलग हो जाएगा, लेकिन जहां पर सलाह का की बात आती है तो वहां आप इसके साथ एडवाइस के साथ एस नहीं लगाएंगे। एडवाइस भी सलाह है, और इसका ए डी वी आई एस ई डी, इसका मतलब हो जाएगा एस ई, ए डी वी आई सी ई, एडवाइस इसका ये है सलाह देना हो जाएगा, सलाह देना। तो आप इसमें वो नहीं लगाएंगे, ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे। सलाह का जहां पर, उसने मुझे कई सलाह दी, तो ही गेव मी एडवाइस, ये स्टूडेंट ध्यान दीजिए इस पे, ही गेव मी ए एन द नहीं आएगा, मतलब कुछ नहीं आएगा, आए हाँ नो आर्टिकल, और ना तो हम इसको सलाह के अर्थ के लिए, इसको कई सलाह दी के मतलब एस लगाएंगे, ये गलत है, एस भी नहीं लगाना है इसको, प्लूरल भी नहीं बनाना है, और ए एन द भी इसमें नहीं लगाना है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन है, सेम इंफॉर्मेशन में हमको इसको बहुवचन नहीं, एग्जाम में एडवाइस इंफॉर्मेशन से संबंधित बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो दो चीजें, एडवाइस सी ई इसका मतलब होता है सलाह, एडवाइस ए डी वी आई एस ई सलाह देना, ये हो जाएगा नाउन आपका, और ये हो जाएगा वर्ब, क्रिया है ये सलाह देना। तो पहली बात, नाउन फॉर्म में आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, और इसको आप बहुवचन नहीं बनाएंगे, ठीक है, सलाह के अर्थ, बहुत सलाह दी तो उसको बहुवचन करते नहीं, जहां इंफॉर्मेशन एडवाइसेस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, इसको भी आप प्लूरल में नहीं बनाएंगे, मेनी इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे, हाँ कुछ सलाह के लिए सम इंफॉर्मेशन लगा देते हैं, और ना तो इसके आगे, इन दोनों शब्दों के की बात यह है एडवाइस में और इंफॉर्मेशन में, पहली बात आप आर्टिकल नहीं लगाएंगे, दूसरी बात ना तो इन दोनों शब्दों को आप बहुवचन बनाएंगे। तो आज स्टूडेंट इतना ही आज के लिए बहुत है, फिर बताइएगा आपको कितना अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है, और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और किस तरह से और कंटेंट आप चाहते हैं ये भी बताइए, और इसी तरह सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ओके, थैंक यू।